بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. My name is Naila Mastoi and I am from IR department. Today we are going to talk about the strategic importance of the Indian Ocean and major powers interest. Indian Ocean की जानने से पहले हम देखेंगे कि 97% पानी ओशियन में पाया जाता है और चार हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिन्हें पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और आर्कटिक ओशियन के नाम से जाना जाता है। समंदर का तकरीबन 90% हिस्सा अभी एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। ज़मीन के सरफेस पर फ्लोरा लोकेटेड, क्लाइमेट, फौना, सेटलमेंट्स और इकोनॉमिक कई सारी चीज़ों को इम्पेक्ट करता है। ओशियंस के अंदर फैक्टर्स जैसे कि रिलीफ फीचर्स, सी वाटर करंट्स, टाइड्स, मेरीन बायोडाइवर्सिटी को स्टडी किया जाता है। लेकिन आज सर इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं वो है इंडियन ओशियन की अहमियत और उन मेजर पावर के इंटरेस्ट। इंडियन ओशियन का खत्ता हिकमत अमली के लिहाज से अहम है क्योंकि इसमें बड़ी ताकतों के मफादात, बहरी तजाफी, समंदरी दहशत गर्दी, स्मगलिंग, गैर कानूनी माहिगीरी जैसे चैलेंजेस का सामना करने के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी का तावर ज़रूरी है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि इन तमाम मसाइल की शरह को कम से कम किया जा सके और अपने इंडियन ओशन के रिसोर्स को सिक्योर करके यूटिलाइज किया जा सके, क्योंकि दुनिया की 80% आबादी इंडियन ओशन में पाई जाती है, जो कि 20% अर्थ सरफेस को कवर करती है। अगर देखा जाए तो इंडियन ओशन में 28 स्टेट्स की बाउंड्रीज इंडियन ओशन से मिलती है और ये तीन बड़े खत्तों को आपस में जोड़कर उसकी अहमियत को बढ़ा देती है, क्योंकि इंडियन ओशन के थ्रू ही $300 बिलियन की एक्सपोर्ट और 450 यानी 450 बिलियन की इंपोर्ट होती है, जो कि दुनिया का बड़ा समंदर होने के साथ साथ आलमी ताकत अमरीका और उभरती हुई माशी ताकत चीन और इंडिया के लिए अहम बनता जा रहा है और इनके जुड़े मुफादात को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। द जियो पोलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन की जोग्राफियाई हैसियत से दुनिया का तीसरा बड़ा समुंदर है, जो कि मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया से मिलता है। इसकी स्ट्रेटजिकली पोजीशन की वजह से बैन अवी तजारत और तोानाई के वसाइल एक अहम स्पॉट हैं। फ्रेड एंड एनर्जी रूट। इंडियन ओशन आलमी तजारत के लिए एक अहम रास्ता है, चूँकि इंडियन ओशन तीन स्ट्रेट्स ऑफ मलाका, स्ट्रेट्स ऑफ हम्स और बाबर मंदाब से मिलकर अपनी लोकेशन अहमियत को वासिया करता है, जहाँ से दुनिया के तेल और कुदरती गैस का एक बड़ा हिस्सा इन रास्तों के जरिए गुजरता है। एशिया की उभरती हुई इक्तिसादी ताकतों, बिलखसूस इंडिया और चाइना ने इस रीजन को मजीद चैलेंजेस के साथ साथ इसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ा दिया। मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द इंडियन ओशन। दुनिया की 80% तजारत समंदरी रास्तों से होती है, जिसकी वजह से समंदरी रास्तों की इम्पोर्टेंस के साथ साथ वहाँ की सिक्योरिटी को भी बेशतर चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ठीक इसी तरह इंडियन ओशन भी एक ऐसा ओशन है जहाँ पर बेशतर खतरात लाहक होते हैं और बहुत सारे चैलेंजेस को सामना करना पड़ता है। मैरीटाइम सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाता है, चूँकि वहाँ पर स्मगलिंग, पायरेसी, ट्रैफिकिंग, ओवर फिशिंग, मेरीन पोल्यूशन, सी टेररिज्म जैसे मसाइल दरपेश हैं। पायरेसी जो कि हर समंदर में पाई जाती है और ठीक इसी तरह इंडियन ओशन के कोस्टल स्टेट सोमालिया में पायरेसी का रेशियो आज भी सबसे ज़्यादा देखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ की लेस डेवलपमेंट ही वहाँ पर पायरेसी को जन्म देती है और उसी वजह से जितने भी तमाम ममालिक हैं जो कि इंडियन ओशन से इंडियन ओशन के रूट से ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पर उन्हें ये खतरा लाहक होता है पायरेसी का।
ठीक है, इसी तरह सी टेररिज्म वहाँ पर मौजूद है, मेरिन पोल्यूशन जो कि हमारी फ़िशिंग को, हमारे फ़िशिंग रिसोर्सेज को कम करती है, और एक्सप्लोर जितने भी हमारे फ़िशिंग या फिर कह सकते हैं कि जो भी माहिगीर हैं वहाँ, उनकी इकोनॉमिक को बहुत ठेस पहुँचता है सिर्फ इसी मेरीन पोल्यूशन की वजह से। ओवर फिशिंग भी एक अहम मसला है जो कि इंडियन ओशन में पाया जाता है, क्योंकि इंडियन ओशन जो कि 28 स्टेट्स को कनेक्ट करके बनता है, और वहाँ की हर स्टेट्स जो कि दूसरे ममालिक में जाकर ओवर फिशिंग करती है और वहाँ से फिशिंग को लेकर एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश करती हैं, जो लेस डेवलपमेंट। व्हाई द इंडियन ओशन इज क्रूशियल फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडियन ओशन के तेल और गैस की वसी सप्लाई और मेजर चोक पॉइंट्स पर कंट्रोल हासिल करने के लिए तमाम बड़ी आलमी ताकतों और उभरती हुई माशी रियासत की इस खत्ते में मौजूदगी और मदाखलत उसकी सबसे बड़ी वजह है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और उसे काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक ओशन में क्वाड ग्रुप ममालिक जो कि हर साल नेवल एक्सरसाइजेस करके जायजा लेने की कोशिश करते हैं, और क्वाड के रुकन होने की हैसियत से इंडियन ओशन में अपनी ज़ाती मुफादात रखते हैं, जैसे जापान अपनी एनर्जी सप्लाईज और ट्रेड के लिए सी रूट्स पर इन्हिसार करता है। ठीक इसी तरह ऑस्ट्रेलिया जो खत्ते के जुनूबी किनारे पर वाकिया है और इंडियन ओशन की मैरिटाइम सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अपने मफादात को पूरा करने के साथ साथ चाइना के आर्टिफिशियल आइलैंड और साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक ओशन पर चाइना के कंट्रोल को काउंटर करना चाहते हैं। 21st सेंचुरी में माशी चैलेंजेस इतने बढ़ चुके हैं जिसकी वजह से दुनिया मल्टीलैटरलिज्म हो चुकी है। अमेरिका इंडियन ओशन के इलाके को अपने क्वाड, अकस और I2U2 के अलायंसेस स्टेट के साथ तावन करके चीन के इन्फ्लुएंस को ख़त्म करने के साथ साथ अपनी हेज मनी को बरकरार रखना चाहता है, और इसी वजह से अमेरिका चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए IMEC को मुतारिफ करवाने जा रहा है। कंक्लूजन, आज हमने अपने इंडियन ओशन की अहमियत और मेजर पावर के इंटरेस्ट को जानने की कोशिश की, जिसमें इंडियन ओशन में तमाम बड़ी ताकतों जैसे अमेरिका, चाइना, इंडिया, जापान, UK, यूनाइटेड किंगडम और पाकिस्तान जैसे ममालिक का इंटरेस्ट शामिल है। चूँकि 28 स्टेट्स की बाउंड्रीज इस रीजन से लगती है, और इस रीजन से लगने की वजह से और यहाँ पर शॉर्टेस्ट ट्रेड रूट होने की वजह से ये अपनी अहमियत को खुद ही बढ़ाता है। पॉलिसी की तजावीज़ पर रहम के इलाके में मैरीटाइम सिक्योरिटी के चैलेंजों से निपटने के लिए दर्ज झेल कवरेज पॉइंट्स को मद्देनज़र रखा जा सकता है, इलाकाई तआवुन को मजबूत बनाना, जैसे कि बहर हिंद की साहली रियासतों के दरमियान इलाकाई तंजीमों के ज़रिए तआवुन को बढ़ाना, जिसमें इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन और इंडियन ओशियन के सिंपोजियम शामिल हैं। समंदरी डोमेन की तवज्जो और रद्द अमल की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए डेटा शेयरिंग और दीगर एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है, जो कि जंगी बहरी कजाकी और बहरी दहशतगर्दी को ख़त्म करने में एक अहम किरदार अदा करती है। समंदरी हदूद के तनाज़ात को हल करना, चूँकि समंदरी तहफ़ को यकीनी बनाने के लिए समंदरी हदूद के तनाज़ात को ख़त्म करना और पुरअमन फैसले से वो भी इंतहाई अहम है। समंदरी हदूद के तनाज़ात को हल करने के लिए सिफायती मज़ाकरात या सालसी किरदार जो कि एक थर्ड कंट्री अदा करती है बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में, जिससे तनाज़ात को कम किया जा सकता है। UN क्लोज के लॉ को इम्प्लीमेंट करके भी समुद्री तहफ़ को यकीनी बनाया जा सकता है।
हर रियासत चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर हो, क्योंकि यहाँ पर रियलिज्म की अप्रोच को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा ताकत के हुसूल। अगर ताकत हासिल ना कर सके तो दूसरे ताकतवर ममालिक के साथ मिलकर तआवुन करके बैलेंस ऑफ पावर को यकीनी बनाया जाए, जो कि आज 21वीं सदी में हर मुल्क अपनी अच्छी इक्तिसादी तरक्की के लिए करने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू।